गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस ओके ये टॉपिक बड़ा है इसलिए दो पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन में इंट्रोडक्शन टेक्निकल इश्यूज ऑक्सीनेशन एंड वेंटिलेशन एंड स्टेप्स ऑफ ए पार्ट टू में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा करूँगा एसिडोसिस के बारे में एल्क्रोसिस के बारे में एंड आई एल गिव यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्लिनिकल सिनेरियो सो so, आप अच्छे समझ पाएंगे आप ओके सो एवीजी लेने से पहले हमें पेशेंट का कंसेंट लेना है उसको बताना है हम क्यों करा रहे हैं इसका क्या इंडिकेशन है क्या कॉम्प्लिकेशन है ये सब बताकर हमें कंसेंट लेना है ओके एंड नेवर इंटरप्रिटेड एवीजी विदाउट क्लिनिकल हिस्ट्री ओके सो क्लिनिकल हिस्ट्री लेने से हमें पहले ही एक डायग्नोसिस का क्लू मिल जाता है और एबीजी निकालने के बाद में हम लोग श्योर हो सकते हैं कि हम किस केस को डील कर रहे हैं ओके सो कमिंग टू टेक्निकल एक्सपेक्ट हम सभी जानते हैं कि प्रिफर्ड साइड आर्टरी रेडियल आर्टरी होती है ये क्यों होती है क्योंकि ये सुपरफिशियल होती है ये इजी टू पालपेट ओके और इसको डायरेक्ट प्रेशर से कंप्रेस कर सकते हैं ताकि हम लोग हीमो, हीमोस्टेसिस अचीव कर सके इसके आसपास में कोई लार्ज वेन नहीं होती है सो वीनस ब्लड होने के चांस कम रहते हैं इसमें ये। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लर आर्टरी होती है जो कि कोलेट्रल सर्कुलेशन शेयर करती है रेडल आर्टरी के साथ में इसका मतलब ये होता है कि डिजिटल पार्ट ऑफ हैंड इज सप्लाइड बाय टू आर्टरीज़, अल्लर आर्टरी एंड रेडल आर्टरी अगर एवीजी लेने से कभी कभार रेडल आटरी डैमेज हो जाती है या थ्रोमस हो जाती है तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव अल्नर आर्टरी होती है जो कि डिजिटल पार्ट ऑफ हैंड को सप्लाई करती है ओके सो so, ए निकालने से पहले हमें चेक करना है कि हमारे पास जो अल्नर आर्टरी है वो पेटेंट है कि नहीं है ये हम कैसे टेस्ट करते हैं ये हम टेस्ट करते हैं मॉडिफाइड एल टेस्ट से ये इस टेस्ट को कैसे करते हैं मैं अगला वीडियो डालने वाला हूँ ओके टेक्निकल इश्यूज़ ओके एबीजी निकालने से पहले हमें हेपेरिन लेना होता है सिरिंज को जस्ट करना होता है अगर हम ज्यादा हेपेरिन ले लेंगे तो ये एक फॉल्स रिजल्ट देगा क्योंकि हेपेरिन एक एसिडिक मीडियम होता है जिससे क्या है एबीजी का रिजल्ट फॉल्सली एसिडिक आएगा ओके okay. अगर हम हेपेरिन बहुत कम लेंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा और एबीजी हम नहीं देख पाएंगे ओके okay. एबीजी निकालने के तुरंत बाद हमें एबीजी मशीन पे भेजना होता है टेस्टिंग के लिए अगर लेट करते जाएंगे तो फॉल्स रिजल्ट आएंगे अगर डिले हो रहा है तो हमें सैंपल फोर डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं वो भी एक घंटे के लिए उसके बाद ए खराब हो जाएगा ओके अनदर स्टेप इस जब आपने एबीजी निकाल लिया सरिंज में तो हमें उसकी सारे बबल्स निकाल देने हैं क्यों निकाल देने हैं तो कि हम जानते हैं कि एयर बबल में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है अगर एयर बबल उसमें रह जाएगा तो हमारे एबीजी में फॉल्सली हाई पीओ आएगा और लो पीसीओ आएगा ओके सो एयर बबल निकाल देना है और अगर सैंपल जितना डिले होगा भेजने में उतना ही उसका फॉल्सली पीओटू कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि ब्लड में सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स अदर थिंग्स होती हैं, इनका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है अगर डिले होगा तो मेटाबॉलिज्म से इनका पीओ मीन ऑक्सीजन करेंगे, कंजप्शन करेंगे और सीओ टू रिलीज करेंगे तो एवीजी में हमारा फॉल्स पीओ टू कम आएगा पी सी ओ टू बढ़ जाएगा ओके नाउ पर्पज ऑफ एवीजी एवीजी हम क्यों बेचते हैं ताकि हम दो चीज चेक कर सके एक वेंटिलेशन एंड ऑक्सीनेशन एंड अनदर इज एसिड बेस बैलेंस ओके इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं आप इमरजेंसी बैठे हुए हैं दो पेशेंट आते हैं पेशेंट ए और पेशेंट बी ओके okay? दोनों ही एक्यूट बेथलेसनेस में आते हैं आपने ऑक्सीजन सिचुएशन चेक किया पल्स ऑक्सीमीटर से एक का है 70% और बाय चांस दूसरे का भी है 70% ओके okay? अब मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या इसमें हमें एबीजी कराना चाहिए तो आंसर है यस yes. क्यों कराना चाहिए क्योंकि इसमें हमें देखना है कि जो हाइपोक्सिया हो रहा है हाइपोक्सिया मतलब लो सेचुरेशन आ रहा है इसका रीजन क्या है क्या ऑक्सीजन कम है ब्लड में या लंग्स में या वेंटिलेशन नहीं है लंग्स हमारे फंक्शन नहीं कर रहे हैं वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं ओके okay? इनका एबीजी कराया गया तो आप सरप्राइज होंगे कि पेशेंट ए का पीसीओ टू फोर्टी आया और पेशेंट बी का एटी आया ओके okay, तो आप देख सकते हैं कि सेचुरेशन दोनों के सेम थे दोनों के लेकिन पीसीओ टू डिफरेंट आए ये तो क्या दोनों पेशेंट का सेम ट्रीटमेंट होगा आंसर इज नहीं क्यों नहीं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें एबीजी में एल्बुलर आर्ट्रियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट निकालना है हमें इसको निकालने से हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है क्या ऑक्सीनेशन में प्रॉब्लम है या वेंटिलेशन में प्रॉब्लम है कैसे निकालते हैं इसको नेम से लग रहा है कि एल्बुलर आर्ट्रियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट तो हमें एल्बुलाई का ऑक्सीजन निकालना है और आर्ट्रियल का ऑक्सीजन हमारे पास एबीजी में होता है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ग्रेडियंट होगा वो ओके सो so, एल्बुलाई में ऑक्सीजन हम कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला है Into atmospheric pressure minus H2O, okay? ये वो ऑक्सीजन है जो हमारे लंग्स को मिल रही है और लंग्स को हमारे ऑक्सीजन कौन सी मिल रही है जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसमें से वाटर का प्रेशर निकाल देते हैं तो ये ऑक्सीजन हमें मिल रही है माइनस PCO2 टू अपॉन RQ आरक्यू क्या है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ओके नॉर्मली ये पॉइंट एट होता है अगर इस इक्वेशन में से पी यू टू माइनस कर देंगे हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास में ओके सो नॉर्मल नॉर्मल एफ आई टू अगर हम लोग लेते हैं दैट इज पॉइंट टू वन ओके एटमोसफेयर प्रेशर लेते हैं सेवन सिक्सटी वाटर वेपर प्रेशर फोर्टी सेवन ओके माइनस पीसीू टू अपॉन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो अगर ये इनको हम कंपाइल करें तो आएगा ये टू इंटू सेवन थर्टीन माइनस पीसीू टू अपॉइंट पॉइंट एट अगर रूम पे देखते हैं इसको रूम ईयर पे जो एफ आई टू होता है वो पॉइंट टू वन होता है तो PO2 टू जो एल्बुलर ऑक्सीजन आएगा उसका सिंपल फॉर्मूला होगा वन फिफ्टी माइनस पीएसू टू अपॉइंट पॉइंट ओके अगर आप लोग इस टेबल को गौर से देखें तो पीओ टू कॉन्स्टेंट नहीं रहता है एज के साथ कम होता चला जाता है इसका मतलब यह है कि एल्वलाई में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो एज के हिसाब से आर्टरी में आर्ट्रियल ब्लड में वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो एज के हिसाब से पीओ टू एज, एज बढ़ती जाएगी पीओ टू कम होता जाएगा लेकिन जो आर्ट्रियल ब्लड के जो है डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा वो तो इसका मतलब बस यही है कि एज के हिसाब से एल्वियो कैपिलरी मेम्ब्रेन ठीक होती चली जाती है जो एल्वलाई में जो ऑक्सीजन आता है वो आर्टिल ब्लड ग्लैस में ट्रांसफर नहीं हो पाता है अब हम लोग अपने पुराने एग्जाम्पल पर वापस आ जाते हैं हमारे पास पेशेंट ए था सेचुरेशन उसका कितना था सेवनटी परसेंट एवीजी कराया गया एवीजी कराया गया उसका वो पीओ टू फोर्टी फाइव इसमें हम लोग एल्बुलर का ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है 150 माइनस पीसीओ2 अपॉन 2.8 तो ये कितना आएगा ये ये आएगा 100 ओके okay? देन एल्बुलर ऑक्सी एल्बुलर आर्टेरियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट कितना आएगा 55 ओके okay? सो so, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एल्बुलई का जो ऑक्सीजन ग्रेडियंट है वो बढ़ गया है इसका मतलब में, जो है, वो ब्लड में नहीं जा रही है इसलिए तो प्रॉब्लम है इसमें इस पेशेंट को हमें ऑक्सीजन ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसफर इसमें कम हो गया है दिस तो इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वाइड गैप एलवर आर्ट्रियल ग्रेडियंट ऑक्सीजन फेलियर ओके अब पेशेंट बी पर आते हैं बी बी का जो ऑक्सीजन uh, था पीओ टू वो नॉर्मल था पीसीओ टू एटी था पीओ टू फोर्टी फाइव था अगर इसमें हम लोग ग्रेडियंट निकालें तो एल्वुलर जो ऑक्सीजन था वो कितना आएगा वन फिफ्टी माइनस पीसीओ टू अपॉइंट पॉइंट एट कितना आएगा फिफ्टी तो एल्वुलर आर्टिल ग्रेडियंट कितना आएगा फाइव ओके okay. तो ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है इसका मतलब ये है कि एलिवलो कैपलरी मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल है द प्रॉब्लम है? है कि लंग्स हमारे ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहे हैं दैट इज वेंटिलेशन फेलियर फेलियर अब क्यों हुआ है क्या पेशेंट को सीओपीडी है क्या पेशेंट को चेस्ट वॉल कैफोसिस है या और कोई रीजन है पेशेंट का तो वो हमें देखना पड़ेगा विद क्लिनिकल हिस्ट्री तो दिस इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वेंटिलेशन फेलियर ऐसे पेशेंट को अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो पेशेंट का हार्म ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेनिफिट तो इस पेशेंट को वेंटिलेटर लगाना है इस पेशेंट को हमें ऑक्सीजन देना है. ओके. कमिंग टू एसिड बेस बैलेंस ओके ये डेनिश केमिस्ट थे इनका नाम था सुरेंसन इन्होंने 1909 में पीएच की थ्योरी दी इन्होंने कहा कि पीएच डिपेंडेंट होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे और ये सो पीएच so, का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फोर्टी होगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच कंसंट्रेशन कंसल्ट्रेशन सो हम इस टेबल में देख सकते हैं कि पीएच 7.4 नॉर्मल है पीएच अगर कम होता है पीएच अगर कम होता है तो पेशेंट ड्राउजीनेस आएगी लिथार्जी आएगी कॉमा एंड फाइनल डेथ सो पीएच एट 6.8 पॉइंट एट इज लिथल टू पेशेंट इसके उल्टा पीएच अगर बढ़ता है तब भी प्रॉब्लम है पीएच 7.8 आल्सो लिथल टू पेशेंट पेशेंट को क्या होगा एटेबिलिटी होगी अरिदमिया होगा ओके सो पी कम भी हार्मफुल है पीएच ज्यादा भी हार्मफुल है ओके आप इस टेबल में गौर कर सकते हैं कि पीएच जब कम हो रहा है तो पेशेंट सोता चला जा रहा है ओके डाउजीनेट लिथार्जी कॉमन डेथ पेशेंट सोता चला जा रहा है और जब पेशेंट का पीएच बढ़ रहा है तो पेशेंट मोर एक्टिव होता चला जा रहा है वो ओके अरिदमिया कन्वलशन लाइक दैट पेशेंट मोर एक्टिव हो जा रहा है तो पीएच कम हो रहा है तो पेशेंट स्लीपिंग स्टेज में जा रहा है पेशेंट जब पीएच बढ़ रहा है उसका वो तो हाइपर एक्टिव मोड में जा रहा है पेशेंट सो पीएच आपको पता चल गया होगा पीएच टाइटली रेगुलेटेड होता है क्योंकि पीएच अगर कम होगा तब भी दिक्कत है पीएच बढ़ेगा तब भी दिक्कत है तो ये कंट्रोल कैसे होता है ये तीन सिस्टम मेंटेन करते हैं इस पी एच को फिजियोलॉजिकल बफर्स लंग्स किडनी तो बफर क्या होता है बफर होता है कि एक ऐसा सबस्टेंस जो आसानी से एच आइन दे सके और एच आईन ले सके क्योंकि हम सब जानते हैं कि एच आईन ही एसिडोसिस का एक मार्कर होता है वो अगर एचाइन बढ़ जाएंगे बॉडी में इसका मतलब एसिडोसिस हो जाएगा h n अगर कम हो जाएंगे इसका मतलब एल्क्लोसिस हो जाएगा तो जैसे ही बॉडी में h n की अधिकता होती है या कमी होती है ये सबस्टेंस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये अगर h n ज्यादा आ गए उसको बाहर निकाल देगा h n कम रह गए तो ये अंदर को प्रोड्यूस कर लेगा इसको ये ये बफर होते हैं मोस्ट कॉमन बफर होता है बाइकार्बोनेट बफर ओके okay, सो so, इस अगर इस ग्राफ को देखें इस पिक्चर को देखें हम लोग वो अगर बॉडी में एच आई ज्यादा तो ये से कंबाइन करके कार्बोनिक कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा ये लंग्स के थ्रू ये बाहर निकल जाएगी ये ओके इसका उल्टा अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है बॉडी में इसका मतलब एलक्लोसिस हो जाती है तब क्या होगा तब ये जो साइकिल है ये उल्टी हो जाएगी ये ओके क्या होगा कि सीओ टू रिटेन करेगा बॉडी में बाय लंग्स ये सीओ टू से कंबाइंड करके वाटर से कम्बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा एच आईन प्लस तो बाइकार्बोनेट आयन होगा ये किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा सो ये तीन सिस्टम अगर हमारे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो पीएच को ये कंट्रोल में रखते हैं ये क्लियर अब कमिंग टू एवीजी इंटरप्रिटेशन ओके सो बिफोर इंटरप्रिटेशन वी शुड नो वट द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हम सबको पता है कि पीएच एच पॉइंट फोर पर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन फोर्टी होता है ये ओके okay? अगर पीएच कम होता है सेवन पॉइंट फोर से सेवन पॉइंट थ्री होता है या सेवन होता है तो हाइड्रोन आयन बढ़ता है लेकिन जो बढ़ने की जो रेट है वो है 1.25 टाइम्स इक्वल टू तो 1.25 टाइम्स ओके सो से फॉर एग्जांपल 7.4 पर 40 है 7.3 पर 50 हो गया 1.25 टाइम्स देन इसका 1.25 टाइम 63 हो गया इसका 1.25 टाइम 79 हो गया लेकिन ये जब पीएच बढ़ता है एच आयन कम होते हैं तो ये सेम प्रोपोर्शन में कम नहीं होता है ये ये कम होता है 0.8 0.8 टाइम्स ये है से फॉर एग्जांपल 7.4 पर 40 है ये 7.5 तो 32 होगा तो ये रेशियो होगा ये 0.8 होगा ये ओके okay? 32 से 25 0.8 तो यू कैन सी कि जब एच हाँ एन बढ़ रहे हैं तो रैपिडली बढ़ रहे हैं 1.25 टाइम्स ओके लेकिन जब कम हो रहे हैं तो ये स्लोली कम हो रहे हैं टाइम तो ऊपर है हाँ है. है. जा है जाता है ये ओके जबकि कम होने की लिमिट होती है कितना कम जाएगा मैक्सिमम जीरो तक जाएगा तो इसकी लिमिट है तो जब लिमिट है तो ये धीरे धीरे फॉल होता है यह पॉइंट टाइम्स ओके फोर्टी थर्टी टू ट्वेंटी लाइक दैट ये स्लोली कम होता है लेकिन जब बढ़ता है चैन तो फास्ट बढ़ता है ये ये टेबल आपको आगे काम आने वाली है प्लीज इसको याद कर लीजिए इंटरप्रिटेटिंग ऑफ एवीजी वी हैव टू कीप रिमेंबर दिस है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव पर फॉर इंटरप्रिटेशन परपज वी टेक सेवन पॉइंट फोर PCO2, हम लोग इंटरप्रिटेशन के लिए फोर्टी लेते हैं बाइक आप चौबीस लेते हैं आपको ये तीन वैल्यू आपको ये याद रखनी है ये क्योंकि इसके बिना आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे ये बेस एक्सेस क्या होता है इसका एवीजी बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है बस एक चीज याद रख लीजिए कि पीएच को 7.4 पे लाने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग एसिड हमें चाहिए या निकालना है उसको ऐड करना है या निकालना है वो बेस एक्सेस होता है ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है पॉइंट माइनस टू से प्लस टू तक होती है ये बेस एक्सेस बेस एक्सेस का मतलब होता है बेस मतलब एक्सेस का मतलब ज्यादा अगर ये पॉइंट टू आई मीन प्लस टू से ज्यादा है ये इसका मतलब मेटाबोलिक एल्कलोसिस है ये अगर माइनस टू से ज्यादा है मतलब माइनस में ज्यादा है ये माइनस फोर माइनस फाइव देन दिस इज एसिडोसिस ओके सो प्लस टू एल्लोसिस माइनस टू इज एसिडोसिस नाउ सेवन स्टेप्स ऑफ एबीजी इंटरप्रिटेशन सो बिफोर इंटरप्रिटेटिंग एनी एबीजी चेक वेदर दिस इज वैलिड और नॉट ऐसा नहीं है कि आपके पास एबीजी आ गया और आप इंटरप्रिटेट करने लग गए पहले आपको उसको देखना है कि जो एबीजी आ रहा है वो सही है कि नहीं है वो कहीं कोई लेब तो नहीं है ये कैसे चेक करेंगे पहले हम लोग एच एंड कंसल्टेशन निकाल लेंगे एबीजी के थ्रू एबीजी में पीसी रखा होता है बाइकाप दे रखा होता है सिंपल फॉर्मूला है ट्वेंटी फोर ओके टू इस फॉर्मूले से हम एच एंड कंसल्टेशन निकाल लेंगे ओके okay? फिर मैंने आपको अभी टेबल बताई थी उस टेबल में से हम लोग एच एंड कंसल्टेशन देख लेंगे ओके फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का पी एच सेवन पॉइंट फाइव है तो इस पी पीएच पे उसका जो एच एन होना चाहिए वो थर्टी टू होना चाहिए वो फिर हम लोग दोनों को मैच करेंगे जो फॉर्मूले से आया था और दूसरा जो इस पे था वो अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एबीजी ठीक है इसको हम इंटरप्रिटेट करेंगे इसको वो इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम लोग वो एक पेशेंट का पी एच है पी सी ओ टू ट्वेंटी सिक्स है बायकार्ब 22 है अब हमें ये देखना है कि ये एबीजी ठीक है कि नहीं है कोई लैबरर तो नहीं है इसमें ये तो कैसे देखेंगे एचएनएम कंसंट्रेशन निकालेंगे भाई फार्मूला 24 पीसीओ2 अपॉन एसओ3 कितना आएगा 24 कितना आएगा 24 26 22 तो ये आएगा 28.36 ओके okay. फिर उस टेबल से हम लोग एचएन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे पीएच है 7.3 तो 7.3 में कितना में कितनाट्रेशन होना चाहिए 50 तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टेबल में जो एच एन 50 फिफ्टी आ रहा है फॉर्मूले से ट्वेंटी आ रहा है ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये एबीजी ठीक नहीं है इस एबीजी को हम लोग इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते अदरवाइज हमारी जो डायग्नोसिस है वो गलत आएगी तो दिस पीएच इज नॉट वैलिड आपके आपके पास पास आ गया आपके पास में वो आपको देखना है कि ये एसिडिक है कि ये alkaline है ये, ओके? So, pH अगर से कम है एबीजी तो हमारा एसिडो acidos, एसिडोसिस में है कि एल्क्सिस में है वो आपने देख लिया कि एसिडोसिस है, है फिर देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है रेस्पिरेटरी है या मेटाबोलिक है ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो सीओ टू से देखी जाती है और जो मेटाबोलिक होती है वो बाइकार्बोनेट से देखी जाती है वो जो पीसीओ टू होता है वो एक एसिडोसिस का मार्कर होता है वो PCO2 टू बढ़ेगा मतलब बॉडी में एसिड बढ़ रहा है पीसीओ टू कम हो रहा है इसका मतलब Al में जा रहा है वो बाइकार्ब अगर बढ़ रहा है इसका मतलब एल्क्सिस Al बाइकार्ब मतलब कम हो रहा है इसका मतलब मेटाबोलिक एसिडोसिस हमें पी देखना है फिर देखना है कि पीसीओ टू के क्रोस्पॉन्ड कर रहा है या बाइकअप का क्रोस्पॉन्ड कर रहा है वो देन वी डिसाइड कि ये रेस्पिरेटरी है कि ये मेटाबोलिक है ये सो इन दिस चार्ट वी कैन सी अगर पीएच हमारा अगर हाई है हाई का मतलब एलक्लोसिस है एलक्लोसिस है तो हमें देखना है कि लो पीसीओ टू है हाई एसो थ्री है वो अगर लो पी टू है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है अगर हाई एस थ्री है तो क्लोसिस है वो अगर पीएच एसिडिक है मतलब पीएच लो है उसका वो देन हमें देखना है कि अगर हाई पीसीओ टू है रेस्पिरेटरी है अगर लो बाइकाब है तो मेटाबोलिक है ये अब अगर प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी होती है तो उसमें हमें देखना है कि ये एक्यूट है कि ये क्रोनिक है आप सब लोग जानते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में पी एच में ज्यादा चेंज होता है एस कंपेयर टू सीओ टू ओके सो हमने पहले डेल्टा सीओ टू निकाल लिया उसका वो डेल्टा सीओ टू का मतलब ये है कि सीओ टू पेशेंट का कितना है और एक्चुअल कितना होना चाहिए था तो जितना होना चाहिए था उसमें से एक्चुअल हमने अगर माइनस कर दिया हमारे तो पास चेंज इन पीसीओ2 आ जाएगा चेंज इन पीसीओ2 को अगर 0.008 से मल्टीप्लाई करेंगे जो पीएच आएगा अगर उसके करस्पोंड हमारा पीएच आया है वो तभी एक्यूट हो जाएगा ये अगर चेंज इन पीसीओ2 0.003 से मल्टीप्लाई करेंगे जो पीएच आएगा अगर उतना पीएच हमारा एबीजी में आ रहा है तभी क्रोनिक हो जाएगा ये तो 0.008 चेंज अगर आ रहा है तो एक्यूट हो जाएगा चेंज आ रहा है तो ये क्रॉनिक हो जाएगा ये अगर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आता है तो हम लोगों को एनएन गैप चेक करना है उसका वो ओके इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा सेकंड पार्ट में ओके हमारे पास प्राइमरी डिसऑर्डर आ गया ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है अब हमें ये देखना है कि हमारे तीन सिस्टम बफर सिस्टम किडनी और लंग्स तीनों ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पीएच यहां पर भी चेंज होगा वहां पे जो दूसरा ऑर्गन है वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा वो सो so, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ये कंपनसेट होगा मेटाबॉलिक से अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो ये कंपनसेट होगा रेस्पिरेटरी से अगर पेशेंट का पीएच एसिडिक है और एसिडिक है अगर हाई सीओ टू है इसका मतलब प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो ये कंपनसेट होगा मेटाबोलिक से इसका मतलब यह है कि पीसीओ टू अगर बढ़ रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्ब भी बढ़ेगा और अगर पीएच एलक्लोसिस है और लो सीओ टू है तो उसको तो कंपनसेट करने के लिए बाइक भी कम हो जाएगा तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि जहां पी टू बढ़ेगा वहां बाइक भी बढ़ेगा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर कम होंगे तो दोनों कम होंगे अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे ये अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो कंपनशन बाइकअप से कम होगा अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो कंपनशेशन कार्बन डाइऑक्साइड से होगा अब कंपनसेशन हो रहा है कितना कंपनेशन होगा एक आपको रूल ऑफ थम की तरह याद रखना चाहिए कि कभी भी ओवर कम्पनसेट नहीं होता है कभी भी वो कितना होगा अगर एसिडोसिस है तो 10 पीसीओ टू बढ़ने पर एक बाइक बढ़ेगा जबकि क्रॉनिक में अगर 10 पीसीओ टू है तो चार बाइकअप बढ़ेगा तो रेशियो हो गया टेनिस टू वन और क्रॉनिक में हो जाएगा टेन इंस टू फोर रेस्पिटी में अक्यूट टेन इंस टू टू अगर दस सीओ टू कम हो रहा है तो दो बाइक अगर है तो दस सीओ टू कम होगा तो पांच बाइका कम होगा रेशियो में याद रखना पड़ेगा वन इंस टू फोर टेन एस टू वन टेन इंस टू फोर टेन एस टू टू टेन इंस टू फाइव यह हमें हमेशा याद रखना होगा यह मेटाबोलिक प्रॉब्लम है तो उसका कंपनसेशन होगा रेस्पिरेटरी के थ्रू रेस्पिरेटरी में हमें जो एक्सपेक्टेड पीसीओ है वो निकालना होगा वो एक्सपेक्टेड पीसीओ uh, कैसे निकालेंगे मेरे पास दो फॉर्मूले हैं एक फॉर्मूला ये है 1.5 पॉइंट फाइव इंटू प्लस एट प्लस माइनस टू इससे हमारा पीसीओ टू एक्ट कितना होना चाहिए वो इतना होना चाहिए वो दूसरा फॉर्मूला है कि एक बाइक कम होने पर 1.2 टाइम्स पीसीओ टू बढ़ जाता है वो कम हो जाता है सॉरी मेटाबॉलिक मेटाबोलिकोसिस में होता है 0.7 सेवन प्लस ट्वेंटी अगर हम इस वाले फॉर्मूले में देखेंगे तो एक का बढ़ जाने पे 0.7 टाइम्स पीसीओ टू बढ़ जाता है वो सो so, ये फॉर्मूला हमें याद रखना ही पड़ेगा एंड बोथ आर गुड अगर आप ये याद रख लें ये भी ठीक है अगर आप ये याद रखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है अब आपके पास एवीजी है तो उसमें जो प्राइमरी था वो हमें पता लग गया कंपन हुआ वो भी हमें पता लग गया कुछ एडिशनल तो नहीं है उसमें कुछ वो तो इसके लिए हमें एन गैप देखना होगा वो तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा पार्ट टू में जब एनआईन गैप देख लेंगे फिर हमें गैप गैप रेशियो भी देखना होगा इसको डेल्टा गैप भी कहते हैं So, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट टू में ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये दिस फीमेल ऑफ ट्वेंटी ईयर ओल्ड फीमेल नॉन केस ऑफ आस्मा केम इन एक्यूट इसका पीएच कितना है सेवन पॉइंट फाइव फोर पीसी फोर है ट्वेंटी ओके सो आप मुझे बताइए कि ये एसिडीमिया है कि एल्कलिमिया है आप पहले पीएच को देखिए पीएच कैसा है ये से ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया एल्कलीमिया। फिर देखना है हमें कि है कि रेस्पिरेटरी है है। है, अब है, अगर रेस्पिरेटरी है तो पीसीओ टू कम होगा अगर मेटाबोलिक है तो बाइकाप बढ़ेगा तो इसमें हमें क्या मिल रहा है हमें इसमें पीसीओ टू कम हो रहा है फोर्टी से कम है तो ये मेटाबोलिक है ये सॉरी रेस्पिरेटरी है अब एक है कि मैंने आपको बताया था कि एक्यूट को निकालने के लिए पॉइंट जीरो जीरो एट से मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉनिक को निकालने के लिए पॉइंट जीरो जीरो थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पहले देख लीजिए कि पीसीयू टू कितना चेंज हुआ है नॉर्मल पीसीयू टू होता है 40 हमारे पास है ट्वेंटी फोर तो चेंज कितना हुआ है सिक्सटीन सिक्सटीन तो सिक्सटीन से आप मल्टीप्लाई करिए पॉइंट जीरो जीरो थ्री से पीएच आएगा हमारे पास सेवन पॉइंट फोर फाइव फिर आप पॉइंट जीरो जीरो एट से मल्टीप्लाई करिए पीएच आएगा हाँ सेवन पॉइंट फाइव थ्री इसमें देख लीजिए कौन सा हमारे पास आया है एबीजी में तो हमारा जो एबीजी है उसमें सेवन पॉइंट फाइव थ्री से करस्पोंड कर रहा है इसका मतलब ये ये एक्यूट है ये। सो कंपनिशन <coughs> देखना होगा इसके बाद में तो मैंने बताया था कि एक्यूट रेस्पेटियल क्लोसिस में कैसे कंपनसेट होगा बाइकार्ब से पीसीू कम हो रहा है तो आप भी कम होगा कितना कम होगा रेशियो था टेन इंस टू टू अगर दस टू कम हो रहा है तो बाइक कितना कम होगा दो इसमें पीसीओ टू कितना कम हो रहा है इसमें तो बाई कितना कम होगा थ्री पॉइंट टू तो एक्सपेक्टेड हमारा बाइकार्बोनेट होगा ट्वेंटी पॉइंट एबीजी में कितना है ट्वेंटी इसका मतलब कोई एडिशनल इसमें मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है

सो so, से ज्यादा है इसका मतलब ये अलक्लोसिस है ये फिर प्राइमरी रेस्पिरेटरी है या मेटाबोलिक है ये सो पी एच का तो हम देखेंगे कि पीसीओ टू भी कम हो रहा है इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी एलक्लोसिस है ये एक्यूट है या क्रॉनिक है आप फिर से याद कीजिए जो डेल्टा सी ओ टू है वो मल्टीप्लाई करिए पहले पॉइंट जियो जीरो थ्री से मल्टीप्लाई करिए देखिए पीएच कितना आता है सेवन पॉइंट फोर सिक्स फिर एक्यूट के लिए 0.8008 से मल्टीप्लाई करिए कितना आता है पीएच 7.56 तो क्लोज किसके है हमारा क्लोज है हमारा ये क्रोनिक के ये सो प्रॉब्लम क्या हो गई इसकी ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस फिर हमें कंपैशन देखना है वो कंपैशन कैसे होता है अगर आपको याद हो तो 10 से 5 अगर 10 PCO2 कम हो रहा है तो पांच बाइकाप कम होगा तो पीसीओ में कितना कम हो रहा है ट्वेंटी तो बाइकाप कितना कम होना चाहिए टेन सो नॉर्मल बाइकाप इज ट्वेंटी फोर कितना कम होना चाहिए दस इसमें होना चाहिए चौदह तो एक्सपेक्टेड बाई कार्ब इज फोर्टीन हमारा कितना है इसमें थर्टीन पॉइंट टू ऑलमोस्ट क्लोज है इसके नॉर्मल है ये तो फाइनल डायग्नोसिस क्या होगी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी क्रॉनिक एल्क्लोसिस, ओके, सो थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट में बताइए या ईमेल करिए और लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू